दोस्तों, रियलमी 7 डिवाइस के लॉन्च के बाद ही काफ़ी सारे यूजर्स के डिवाइस में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स को नोटिस किया गया है, जैसे कि स्क्रीन फ्लिकर इशू है, कभी कभार कैमरा में ओवर एक्सपोजर का इशू है, बेटर स्क्रोलिंग परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलती है, और इन्हीं बग्स को फिक्स करने के लिए काफ़ी सारे टाइम टू टाइम अपडेट्स भी रोल आउट किए गए हैं। और लास्ट अपडेट में काफ़ी सारे बग्स को ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया था, और जो भी बग्स यानी प्रॉब्लम डिवाइस में अभी तक बची थी उनको फिक्स करने के लिए रियलमी की तरफ से रिसेंटली एक और न्यू अपडेट इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अपडेट का वर्जन आप देख सकते हैं, 8.69 आपको मिलता है, 552 MB इस अपडेट का साइज है, और हमने अपने डिवाइस में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। और आज के इस वीडियो में रियलमी 7 का इस अपडेट के बाद फुल रिव्यू करेंगे, अपडेट के बाद डिवाइस में क्या कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं, ऑल ओवर परफॉर्मेंस कैसी आपको मिलती है, एनटू2 बेंचमार्क स्कोर क्या कुछ आपको मिलता है, रैम मैनेजमेंट कैसी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, कुछ कैमरा सैंपल भी मैंने कैप्चर किए हैं, तो कैमरा रिव्यू भी हम करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है मंजीत, और आज हम रियलमी 7 के 8.69 अपडेट का फुल रिव्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए इस अपडेट के बारे में, तो सबसे पहले इस अपडेट का फुल वर्जन आप देख सकते हैं, RMX2151_11_8.69 का ये अपडेट आपको मिलता है। लास्ट अपडेट था 8.65, अभी अपडेट 8.69 का अपडेट मिल जाता है, 552 MB इस अपडेट का साइज़ है, और हमने अपने डिवाइस में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया, जो कि आप देख सकते हैं। और ये अपडेट अभी तक कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आपके डिवाइस में अभी तक आपको ये अपडेट नहीं मिला है, तो 3-4 दिन आप वेट कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें इस अपडेट के चेंजेस के बारे में, तो इस अपडेट का अपडेट लोग आप देख सकते हैं, सबसे पहला चेंज आपको मिलेगा नवंबर का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल। तो यहाँ पर अबाउट फोन में आप देख सकते हैं डिवाइस है रियलमी 7, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नवंबर 2020 का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिल जाता है। और ये अपडेट रियलमी 7 के लिए अभी 2-3 दिन पहले ही रोल आउट होना स्टार्ट हुआ था। और अगर हम बात करें इस अपडेट के बाद डिवाइस का एनटू2 बेंचमार्क स्कोर के बारे में, तो मीडियाटेक हीलियो G95 का गेमिंग चिपसेट आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क स्कोर काफ़ी सही आपको मिल जाता है, 2,95,000 के ऊपर आपको बेंचमार्क स्कोर मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। और इस डिवाइस का जो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट है, पबजी प्ले करते हुए बाकी डिवाइसेस के साथ हम कंपैरिजन करके बैटरी ड्रेन टेस्ट करेंगे, 6-7 डिवाइसेस को इंक्लूड करके, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेलेक्ट नहीं किया है, तो ऑल बटन पर जरूर से आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि जैसे ही एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट की वीडियो मैं बनाऊँ, तो उसकी वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। एंड दोस्तों, Realme 3 Pro को भी इंक्लूड करेंगे, उसके लिए काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही हैं। रेडमी, रियलमी, आईफोन, माइक्रोमैक्स के भी जो लेटेस्ट डिवाइसेज हैं, सभी को इंक्लूड करने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, चेंज लॉग में मेंशन किया गया कि कैमरा क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ किया गया है, तो इमेज की जो क्वालिटी है मेन लेंस की यानी 64 MP की, तो उसकी क्वालिटी को बताया गया कि ऑप्टिमाइज़ किया गया है। वैसे 16 MP के सैंपल ये कैप्चर करेगा, लेकिन 64 MP का अलग से मोड आपको मिलता है, तब ये 64 MP का फोटो कैप्चर करेगा। एंड साथ में दोस्तों, जो पोर्ट्रेट मोड की क्लैरिटी है उसमें भी इशू था फ्रंट कैमरे के साथ, बताया गया उसे भी फिक्स किया गया है। साथ में जो सुपर नाइटस्केप की इमेज क्वालिटी इफेक्ट्स है उसको भी थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो यहाँ पर मैंने अपडेट के बाद कुछ कैमरा सैंपल कैप्चर किए हैं। सबसे पहले आप कुछ सेल्फी कैमरा के सैंपल देख सकते हैं। तो चेंज लॉग में मेंशन किया गया कि सेल्फी कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड है उसकी क्वालिटी को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो सेल्फी कैमरा का पोर्ट्रेट मोड का सैंपल आप देख सकते हैं, ऑल ओवर मुझे जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है, कलर्स भी बढ़िया कैप्चर किए हैं, डिटेलिंग भी अच्छी आपको मिल जाती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड ये नॉर्मल सैंपल आपको मिल जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों, इस अपडेट के बाद सेल्फी कैमरा को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है, एंड जो क्वालिटी है जरूर आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। एंड ये आउटडोर में अभी शाम के टाइम मैंने पोर्ट्रेट मोड का सैंपल कैप्चर किया था, तो यहाँ पर भी डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है, एंड मैक्रो लेंस के साथ भी फोटोज़ आप देख सकते हैं। अगर थोड़ी सी लाइटिंग कम है तो मैक्रो लेंस इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है, 2 MP का मैक्रो लेंस आपको मिलता है, डिटेलिंग में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। और अगर हम बात करें नाइट मोड के बारे में, तो इस अपडेट के बाद जो नाइट मोड की क्वालिटी है बिल्कुल जीरो आपको मिल जाती है, लाइव सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल फोटो है, लो लाइटिंग कंडीशन में कुछ ऐसी इमेज क्वालिटी आपको मिलती है। इन नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं नॉर्मल फोटो से भी बेकार आपको इमेज क्वालिटी मिलती है, तो इससे अच्छी तो यार नॉर्मल फोटो है, ये नॉर्मल फोटो है, एंड ये आप नाइट मोड के साथ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, नाइट मोड बिल्कुल बेकार आपको मिलता है इस अपडेट के बाद, बाकी जो नॉर्मल फोटोज़ हैं एंड जो सेल्फी कैमरा की फोटोज़ हैं उसमें जरूर से आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट मिल जाती है। बाकी कुछ और सैंपल आप देख सकते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 1x जूम है, 2x जूम है, 5x जूम के साथ भी सैंपल आप देख सकते हैं।
तो इमेजेस तो आपको बेटर मिल जाती है, लेकिन जो नाइट मोड है उसको यहाँ पर बिल्कुल फिक्स करने की ज़रूरत है नेक्स्ट अपडेट के साथ। दोस्तों देखते हैं, फिर से हम टेस्ट करेंगे कि फिक्स किया गया या फिर नहीं। एंड इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं रैम मैनेजमेंट को, 6 GB रैम से 2.7 GB के अप्रोक्स यहाँ पर फ्री है। अगर मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं 3.5 GB के ऊपर रैम फ्री अवेलेबल आपको मिल जाती है, तो काफ़ी सही रैम मैनेजमेंट भी आपको मिल जाता है। रैप की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है इस अपडेट के बाद। एंड जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आप देख सकते हैं, जो स्क्रोलिंग का इशू था लास्ट अपडेट से पहले, स्पेशली अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पर बेटर टच रिस्पॉन्स नहीं था, तो इसे लास्ट अपडेट के साथ भी इम्प्रूव किया गया था। इस अपडेट के बाद भी इसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आपको मिल जाती है, तो स्क्रोलिंग में एंड टच रिस्पॉन्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। एंड जो स्क्रीन फ्लिकर इशू था लो ब्राइटनेस पर, काफ़ी सारे यूजर्स के डिवाइस में स्क्रीन फ्लिकर इशू मिल रहा था, तो इसे भी लास्ट अपडेट में फिक्स कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ यूजर्स के डिवाइस में ये इशू था, तो इसे इस अपडेट के बाद आपको जरूर से फिक्स देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चेंज लॉग में देख सकते हैं जो टच रिस्पॉन्स है डिवाइस में स्मूथ आपको मिलता है, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। एंड वाकई में जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी सही आपको मिल जाता है। जो स्क्रोलिंग इशू था उसे भी फाइनली फिक्स कर दिया गया है। एंड आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर भी दो बग्स थे, वो भी मेंशन किया गया कि उन्हें भी फिक्स कर दिया गया है। लो ब्राइटनेस पर स्क्रीन फ्लिकर इशू था, उसे फिक्स किया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर नॉन इश्यूज थे, ऑप्टिमाइज़ किया गया है सिस्टम की फ्लुएंसी को, तो सिस्टम को थोड़ा फास्ट यहाँ पर बताया गया कि उसे कर दिया गया है। जो ऐप्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड है थोड़ी बेटर आपको मिल जाती है, तो दोस्तों डेफिनेटली अपने डिवाइस में इस अपडेट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इस अपडेट के बाद डिवाइस के फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये कवर परचेज़ करना है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हैं, परफेक्ट फिटिंग है। एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसका भी कटआउट आपको बढ़िया मिल जाता है, एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बिल्कुल फास्ट काम करता है। और साथ में फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, अभी मैं कैमरा के पीछे हूँ लेकिन फिर भी जो फेस अनलॉक है काफ़ी ज़्यादा फास्टली वर्क करता है। एंड फेस अनलॉक की परफॉर्मेंस साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस काफ़ी सही आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये था रियलमी 7 का 8.69 नवंबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट, जो कि दिसंबर में रियलमी 7 के लिए रोल आउट किया गया है। अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको नहीं मिला है तो 2-3 दिन में मिल जाएगा जल्दी ये अपडेट। और इसका जो बैटरी ड्रेन टेस्ट है बाकी सारे डिवाइसेस के लिए, वो वीडियो जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, जैसे ही रेडी हो जाती है ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर। Bye.